यीशु लाजर को मरे में से जिंदो करते। लाजर नाम को एक मानुष होती, ओ की दो बहिन होती, जिनके नाम मरियम और मार्था होती। ही सब पाई यीशु के नजदीक की संगी नाउन होती। एक दिन कोई ने यीशु को बताइन कि लाजर बहुत बीमार है। जब यीशु ने यो सुनिस तो उन्हें कहिस, यह बीमारी लाजर के मरण के संग खत्म नहीं होए, एके बजाय या लोग नाउन को परमेश्वर की महिमा करण के गुना मार्गदर्शन करे। यीशु अपने संगी नाउन से प्यार करत होतीस, पर जहाँ पे हु होतीस वहाँ उन्हें दो दिन तक रास्ता देखिस। ही दो दिन के बाद उन्हें अपने चेला नाउन से कहिस, आओ हम वापिस यहूदिया को जाबोन। चेला नाउन ने जवाब देन, पर हे गुरु, अभी थोड़ो समय के पहले वहाँ के लोग तो को मार डालनो चाहत होती। यीशु ने कहिस, हमारो संगी लाजर सो गईस है और मोको ओको जगानो है। यीशु के चेला नाउन ने उत्तर देन, हे प्रभु, अगर लाजर सो रहीस है तो हु ठीक हो जाए। तब यीशु ने उनके से स्पष्ट रूप से कह देस, लाजर मर गईस है। मैं आनंदित हम कि मैं वहाँ नहीं होतेम, ताकि तुम मोरे पर विश्वास कर सको। जब यीशु लाजर के गांव पहुँचिस तो लाजर को मरण से पहले चार दिन भय गई थी। मार्था यीशु से मिलन के गुना बाहर आई और कही, हे प्रभु, अगर तू यहाँ पे होतेस तो मोरो भाई नी मरतीस। पर मैं विश्वास करतम कि जो कई भी तू परमेश्वर से मांगबेन हुतो को देहे। यीशु ने उत्तर देस, पुनरुत्थान और जीवन मैं चाम, जो कोई मोरे पे विश्वास करते अगर हु मर भी जाए तो जिंदो होए। जो कोई मोरे पे विश्वास करते हु कभी भी नी मरे। का तू या बात पर विश्वास करतस? मार्था ने उत्तर देई, हे प्रभु, मैं विश्वास करतम कि तू परमेश्वर को टूरा मसीह आस। फिर मरियम आई, उन्हें यीशु के चरणों में गिड़ के कही, हे प्रभु, अगर तू यहाँ पे होतेस तो मोरो भाऊ नी मरतीस। यीशु ने ओके से पूछिस, तुमने लाजर को कहाँ रखे हो? उन्हें ओको बताइन, कबर में। आ और ओको देख ले। तब यीशु रोन लगिस, वह कबर एक गुफा होती, जे के द्वार पे एक गोटा को ढक्कन लगायो गई थीस। जब यीशु कबर पे पहुंचिस तो उन्हें हुनके से कहिस, यो गोटा को ढक्कन हटा देव। पर मार्था ने कही, ओको मरण को चार दिन भई गई नहत, और ओके में से तो बदबू आत होए। यीशु ने उत्तर देस, का मैंने तुम्हारे से नी कहे होतेम कि अगर तुम मोरे पे विश्वास करो तो परमेश्वर के सामर्थ को देखो। एके गुना हुन ने गोटा को हटा दी। फिर यीशु ने ऊपर स्वर्ग के किना देख के कहिस, हे मोरे बाप, मोरी सुन लेन के गुना मैं तोरो धन्यवाद करतम। मैं जानतम कि तू हमेशा मोरी सुनतस, पर मैं यहाँ पर थाड़ो हिन सब लोगन की मदद करन के गुना कहेम, ताकि ही विश्वास करे कि तूने मोको भेजे हस। तब यीशु ने आवाज लगाईस, हे लाजर, बाहर निकला। एके गुना लाजर बाहर निकल के आ गईस, हु अभी भी कफन के कपड़ा से लपटो हुआ होतीस। यीशु ने ओके से कहिस, ओको कफन के कपड़ा निकालन में ओकी मदद करो और ओको खुल्लो करो। यो चमत्कार के वजह से यहूदी लोग ना उनने यीशु पे विश्वास करी, पर यहूदी लोग ना उनके धार्मिक अगुआ ना उन यीशु से जलन लगीन। एके गुना ही योजना बनान के गुना एक संग जमा भईन कि कसो यीशु को और लाजर को मार डालो जाए।